अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको सैर कराएंगे नीलफरी झील की। तो नीलफरी झील जो है ये रावलपिंडी से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पे है, जबकि फारवर्ड कोटा से इसमें दो रास्ते जाते हैं इसके लिए। तो एक बसाँ वाला रास्ता है जो 12 किलोमीटर, और दूसरा रास्ता जो है वो जब भी सईदा है वो 25 किलोमीटर का है। तो दोनों रास्ते कोई इतने आसान नहीं हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि वैसे कितना खूबसूरत जाने वाला रास्ता ही बड़ा खूबसूरत, इलाका खूबसूरत, तो थोड़ा दुश्वार गुजार है। ये अभी ये एक तराई है जिसमें से लोग उतर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी लंबी चढ़ाई है, वो ऊपर से गाड़ी आ रही है। तो हम भी इस गाड़ी में हैं, यूँ समझें कि हमने अपनी कार तो नीचे खड़ी की है और इस गाड़ी में हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है रास्ता। और यहाँ पे नए आने वाले नए जो ड्राइवर्स हों तो उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये जीप बड़े आराम आराम से उतर रही है। तो ये ज़ेहन आप में रखें कि इतना आसान वहाँ पे पहुँचना नहीं है, क्योंकि जहाँ से आगे ये कच्ची रोड है, वहाँ से अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि फारवर्ड कोटा से ही जीपें ले लेते हैं और उनसे अपनी गाड़ियाँ उधर पार करते हैं और वो जीप पे सफ़र करते हैं। तो आप अगर इसका मायना करें, ये नीचे जो है हमने अपनी गाड़ी इधर पार की है और वहाँ से हम पैदल ऊपर आए हैं, तो पैदल ऊपर ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। तो आप यहाँ से इसका व्यू लें, अगर आप देखें तो कितना ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन वैसे हम अभी इधर पहुँच चुके हैं और अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है, तो वो सामने प्रोग्राम चल रहा है और लोग आस्ता आस्ता अब बारिश की वजह से जो है ना, लोग चूँकि बहुत जो मेन रोड है वो काफ़ी दूर है, तो फिर अक्सर लोगों का ख्याल है कि हम कहीं से कहीं ऐसा ना हो कि ओले पड़ जाएं, तो वो फिर आस्ता आस्ता मूव हो रहे हैं। तो नाज़रीन अब हम पहुंच चुके हैं झील पे, आप इसका व्यू करें कितना खूबसूरत, कितना लगता ही नहीं है ये कौन सी दुनिया है। और लोग देखें कितने खुश शाश विशाश, और इधर ही सारा प्रोग्राम हुआ, इधर ही यहाँ पे गुलकार भी मौजूद थे जिसमें बानो रहमत और शकील अवान और बाकी और भी साहब थे। तो उन्होंने बड़ा महसूस किया लोगों को, और ख़ुद भी वो बड़े उन्होंने बड़ा पसंद किया इसको। तो ये यहाँ पे देखें आप, ये सामने नादरा ग्लेन गेस्ट हाउस है, तो वो उसका बैनर लगा रहे हैं। आप देखें पहाड़ियाँ देखें, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे आप देखें, आप सब्ज़ाज़ार देखें, यकीन जाने कि यहाँ पे बिल्कुल दिल नहीं करता कि आप जूते पहन के चलें, दिल करता है जूते उतार के चलें। और जब इस सब्ज़ाज़ार पे आप जब जूते उतार के चलते हैं तो इतना मज़ा आता है जैसे पता चलता है इंसान कारपेट पे चल रहा है। तो ये जो साइड है ये झील की दूसरी साइड है, इस पे भी जो है वो गाड़ियाँ उधर से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा तावन किया है, इंतज़ामिया ने, खुसूसी फारवर्ड कोटा की जो इंतज़ामिया है उन्होंने यहाँ पे, ये देखें आपने, उन्होंने पूरे स्टॉल लगाए हुए हैं, खाने पीने की सहूलत रखी हुई है, कैंप्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो बड़ी बात है कि वो खाने पीने का भी उन्होंने रेट्स जो है ना ऐसे मेंटेन किए हैं कि फारवर्ड कोटा का और यहाँ का तकरीबन सेम है। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, अब लोग आस्ता आस्ता मूव कर रहे हैं, लोग जो है ना वो मेन वजह हुई बारिश की, वरना अभी लोग रुकते वहाँ पर। तो ये जो है अपना पीछे आप आवाम को देखें और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी तो इधर गुलकार जो थे वो
शकील एवान थे तो बानो रहमत से भी हमारी मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत पसंद किया, उनको बहुत अच्छी लगी ये जगह और खुसूसन उनको लोग बड़े अच्छे लगे यहाँ के लोग। उन्होंने कहा कि बहुत प्यार देने वाले लोग हैं। अभी ये मेरे साथ खड़े बैठी हैं वो, और बड़ा ही पसंद किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इधर ज़रूर आऊँगी। और बड़ा ही हर लिहाज से उन्होंने, वो कहती हैं कि जगह जगह पे मैं गई हूँ लेकिन मुझे इस जगह के मुकाबले में कोई ऐसी जगह नहीं लगी। तो नाज़रीन आप भी, आपको मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप भी कोशिश करें, अगर आपको आना हो तो हमारा नंबर भी है, हम उसमें हेल्प भी कर सकते हैं आपकी और इधर आने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ ज़रा मौसम का आपको ख्याल रखना होगा, तो आप ज़रूर आएँ इधर। अल्लाह हाफिज़।